2001 में शिक्षा मित्र को आपने कब नियुक्त किया जब आपको आवश्यकता थी विद्यालय में, आपको शिक्षक चाहिए थे? हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो, आपकी जानकारी में, लखनऊ में कहीं कार्यक्रम आयोजित किया गया हो और सरकार कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रही है। प्रदेश का शिक्षा मित्र 2001 में नियुक्त हुआ, आज ये पूरा प्रदेश का शिक्षा मित्र पीड़ित है, आहत है। कोई सप्ताह जाता होगा, कोई महीना जाता होगा जिस महीने कोई ना कोई शिक्षा मित्र काल के गाल में नहीं समा जाती। लचर पैरवी के चलते सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इनके खिलाफ हो गया। एक में शिक्षा मित्र को आपने कब नियुक्त किया जब आपको आवश्यकता थी विद्यालय में, आपको शिक्षक चाहिए थे, आपने आप किया। ये सरकारें आई समय समय पर, इनको BTC कराया, इनको ट्रेंड कराया, ट्रेंड कराने के बाद एक सरकार आई उसने इनको शिक्षक बना दिया। शिक्षक बनाने के बाद सरकार की लचर पैरवी के चलते सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इनके खिलाफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन खिलाफ होने के बाद इनको जो 35-40 हज़ार का वेतन पाते थे और जब पूरा वेतन मिलने लगा, पूरे मनोयोग से अपनी सेवा दे रहे थे, अपने परिवार के उत्तरदायित्वों को निभा रहे थे, उनको आपने रातों रात घटा करके 10,000 पे ला दिया। 10,000 पे कम लाए थे 7 साल पहले। 7 साल में प्रदेश का कर्मचारी, वेतन, विधायक, जो भी है, वेतन भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा मित्र ऐसा कौन सा आपने बुक ऐसा कौन सा डिपो खोला हुआ है जो छूट पर शिक्षा मित्रों को दे रहा है? इनको केवल 10,000 का वेतन मिल रहा है। इनके आंदोलन का आपने कमेटी बनाई, दिनेश शर्मा जी विधान परिषद के सदस्य थे, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी, उनका प्रमोशन हो गया, वो राज्यसभा चले गए, लेकिन आज तक उनकी कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी, ना शिक्षा मित्र को कोई प्रमोशन हुआ है। तो आज ये पूरा प्रदेश का शिक्षा मित्र पीड़ित है, आहत है। कोई सप्ताह जाता होगा, कोई महीना जाता होगा जिस महीने कोई ना कोई शिक्षा मित्र काल के गाल में नहीं समा जाता। तो ऐसी स्थिति में आज पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र चल करके लखनऊ आया है, शिक्षा में चल करके आता है, आप उसकी बात नहीं समझते, कमेटी बनती है ना, आप कमेटी को भंग करते हैं, ना कमेटी रिपोर्ट देती है, और आपकी पुलिस रात को यहाँ से टेंट उखाड़ कर ले जाती है, दड़ी उखाड़ कर ले जाती है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ इनकी एकता को, आए ये लोग जमीन पर बैठे हैं, जब मैं आया हूँ जमीन पर बैठे थे, ये टेंट भी उन्होंने अपने पास से खड़ा किया है। तो आप शिक्षा मित्रों की बात को नहीं मानेंगे, टेंट नहीं लगने देंगे, दड़ी नहीं बिछने देंगे, कौन सी तानाशाही है भाई? ये तानाशाही है शिक्षा मित्र, आपने क्या मतलब? ये जो देश की सरकार बनाने के लिए सबसे अलग सांसद यूपी से जाते हैं, और ये दुर्भाग्य है कि देश में सबसे कम शिक्षा मित्र अगर मान दे पाता है तो उत्तर प्रदेश में पाता है, जिस प्रदेश के शिक्षा मित्र को सबसे अधिक वेतन मिलना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट का हवाले देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों डिसीजन के खिलाफ ये लोग पार्लियामेंट में विधेयक ला करके, अध्यादेश ला करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया। तो आज कौन सी मजबूरी आप नहीं पलट सकते? आज हजारों शिक्षा मित्र काल के गाल में समा गया, जब विधानसभा में खड़ी बताने की बात आती है तो शिक्षा मंत्री बड़े सीने तान के कहते हैं कि हमारे पास इतने शिक्षा मित्र मिला के हमारा छात्र अनुपात 22:1 का अनुपात है। आप शिक्षकों पीपल टीचर रेशियो बदल देते हैं इनको मान गए, तब ये शिक्षक हो जाते हैं। जब ये वेतन मानते हैं तो आप कह देते हैं कि ये पैरामीटर पे खड़े नहीं उतरते। अरे भाई, उसी विद्यालय में आज पहले पढ़ाते थे, उसी विद्यालय में शिक्षा मित्र के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद पढ़ा रहे हैं, उसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं छात्रों को पढ़ा रहे हैं। केवल वेतन मांगने पर इनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती, ये दोगलापन है। आज पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र आहत है, चल करके आए हैं, और ये चल करके आए हैं। जब तक ये बैठेंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षा महासंघ, हमारे संयोजक सुरेश त्रिपाठी जी आए हैं, मैं, हमारे सारे लोग हैं, जब तक इनकी इच्छा होगी, जब तक ये बैठेंगे, जब तक इनका निर्णय नहीं होगा, तब तक हम इनके साथ बैठेंगे।